हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम छोले बनाएंगे बिना ऑयल के और बिना मसाला भूने, बहुत लाइट छोले बनाएंगे और बहुत अच्छे। तो हम आज ट्विस्ट के साथ बनाएंगे छोले। तो मैंने ये छोले ये वाले कप के साइज के 2 कप छोले लिए हैं और इनको मैं ओवरनाइट भिगो दूंगी। ओवरनाइट भीगेंगे तो हम आपसे कल सुबह मिलते हैं भीगे हुए छोलों के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कप इस साइज के छोले भिगोए थे रात में। अब ये देखिए छोले मेरे भीग के सुबह तैयार हैं। कितने फूल गए हैं ये, और एक बड़ा बोल तैयार ये भीगे हुए छोले हैं। अब इनको हम गलाने के लिए प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे, और हम जब इसको भी प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे तो हम इसमें नमक डालेंगे, और मैं सेंधा ही नमक डालती हूँ, खाती हूँ, सेंधा नमक डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी और इसमें पिसा हुआ भुना जीरा, जीरा को मैंने सूखा भून के और पीस लिया है, वो पाउडर इसमें डालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब मैं ये चने अपने उबालने के लिए रख रही हूँ, तो इसमें मैं डालूंगी भून के पीस करके मैंने जीरा रखा हुआ है, ये डालूंगी, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है ये डालूंगी, ये मेरी पिसी हुई अदरक है सूखा के, ये डालूंगी, एक ये दालचीनी डालूंगी कूट कर, और ये थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च ये और डालूंगी कूट कर, इसमें डालूंगी, इसमें कूट करके, इसमें मैं ऐसे इसको कूट करके हल्का सा दरदरा सा कूटूंगी, इसको ज्यादा नहीं कूटेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा कुट गया है, इसको डालूंगी मैं, है ना। और ये नमक, मैं सेंधा ही नमक खाती हूँ, तो ये मैं सेंधा नमक डालूंगी। ये छोले बिना प्याज बिना लहसुन के बनेंगे, और इसमें हम बाद में क्या मसाला डालेंगे एक ट्विस्ट है, वो छोले जब बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। अभी हम सिर्फ गलाएंगे ये चीजें डालकर। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब डाला है इसमें, नमक डाला, भुना जीरा पिसा हुआ, गरम मसाला घर का, कुटी हुई दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, सेंधा नमक, पिसी अदरक, ये सब मैंने इसमें डाला है, और मैं अब इसको गलाऊंगी। जब ये बिल्कुल गल जाएंगे फिर मैं इसका मसाला कैसे बनेगा वो बताऊंगी, और भटूरे अलग अलग टेस्ट के बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं अपने भटूरे की तैयारी। भटूरे में मैंने करीब ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसमें मैंने ये ली है 1/2 कप के करीब सूजी, है ना, ये सूजी डाली है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच 1/2 टीस्पून नमक। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिलाऊंगी, और इसमें मैंने नीचे डाला हुआ है बटर, आप बटर की जगह वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड नहीं और देसी घी नहीं, वनस्पति घी या बटर, उससे आपके भटूरे बहुत क्रिस्प बनेंगे। अगर आपको क्रिस्प बनाने हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये हमारा हमने डाल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा, ये हमने इसमें मिला के डाल दिया। अभी हम इसको इवनली फिर से मिला लेंगे। नीचे मेरा बटर फ्रिज का निकला हुआ ठंडा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं इसको मिला रही हूं, है ना।
अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू, क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा सा खटाई के साथ रिएक्ट करता है और अपना काम करता है। बिना खटाई के साथ ये इफेक्ट नहीं देता है। इस तरह से मैंने ये कर लिया। ये लिया है मैंने खट्टा दही एक बाउल, इसमें से मैं खट्टा दही एक बाउल ये डाल रही हूं और मैं इसको भी अब मिलाऊंगा नीचे के बटर के साथ। सब चीज इसको खूब अच्छे से मिलाऊंगी। मैंने पनीर निकाला है क्योंकि मैं आज आपको पनीर का भटूरा भी दिखाऊंगी बना के, कि पनीर का भटूरा कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा वो भी। तो मैंने पनीर का पानी रखा है, फेंका नहीं है, क्योंकि उसमें मैं छोलों का मसाला भी बनाऊंगी पनीर के पानी से। और आज के मेरे छोले बिना प्याज लहसुन के हैं और उसमें एक ट्विस्ट है। आप लोग अनारदाना, अमचूर, इमली कुछ कुछ डालते हैं, मैं वो नहीं डालूंगी और आपको बताऊंगी कैसे बनाऊंगी। देखिए ये हो गया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छे से पूरा इसमें बटर एक सार हो गया। अब हमको इसमें जितनी जरूरत होगी उतना हम इसमें ये पनीर जो निकाला है इसका पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। और ये टाइट नहीं मला जाता, ये थोड़ा सा लूज मला जाता है। और इसको मल के मैं 15-20 मिनट से आधे घंटे के लिए अलग रख दूंगी सेट होने के लिए, ताकि इसमें खिंचाव आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तैयार है मैदा बिल्कुल मल के। इसमें मैंने आधा किलो मैदा लिया है और मैंने आपको दिखाया था आधा बोल मैंने ये वाला मैंने सूजी का डाला था और बाद में मैंने आधा बोल ही ये आटा डाला है। इसमें मैंने जो बटर नीचे लिया था वो 50 ग्राम लिया था, तो उससे भटूरे बहुत खिले खिले अच्छे बनते हैं, बढ़िया कुरकुरे। और इसमें मैंने जो पनीर निकाला है उसका मैंने पानी ये एक बाउल भर के इसमें यूज हो गया है। उसके बाद मुझे 2 टेबलस्पून पानी और लेना पड़ा था इसको अच्छे से मलने के लिए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए, इसमें मैंने सोडा भी डाला है 1/4 टीस्पून और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, आधा नींबू का रस निचोड़ा है जिससे सोडा अपना काम कर सके। सोडा बिना खटाई के काम नहीं करता, यूजलेस रहता है। तो ये मैंने मल के रख दिया है, इसको मैं कपड़े से ढक के रख दूंगी या किसी कटोरे से ही ढक दूंगी, कपड़े से भी नहीं ढकेंगे तो भी चलेगा। 15-20 मिनट बाद हम इस मैदे के ऊपर काम करेंगे, इसको खींचेंगे हाथ से और इसको हम भटूरे के लिए तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार है मैदा, इसको मैंने 20 मिनट करा है। अब मैं इसको पटकूंगी यहाँ पे अच्छे से, इसको आप जितना या सरफेस पे पटकेंगे उतना ये तैयार होगा। देखिए ये ना वैसे भी सोडे से बढ़िया हो रहा है, ये ऐसे हम करेंगे। ऐसे मैं इसको कम से कम 50 बार पटकूंगी। ये फ्रेंड्स ऐसे खींच रही हूं मैं इसको, ऐसे खींच कर हम इसको खूब अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें लोच आएगा, लोच आने से आपके भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको खूब अच्छे से हम खींचेंगे, जितना हम इसको खींचेंगे उसमें इसमें इलास्टिक की तरह खिंचाव आ जाएगा। ये फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है मैदा भटूरे का और मैंने इसको सेट करके कितना अच्छा सा, देखिए इसमें खींचा बढ़िया है ना, ये देखिए है ना कितना बढ़िया एकदम
एकदम लोच आ गया है, कहीं नहीं चिपकेगा। ऐसा हो गया जैसे रुई एकदम फूल गया, बढ़िया। और थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। इसको मैंने 10 मिनट के लिए इसको यहां रख दिया है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ सामान। ये आलू मैंने 3 आलू उबाल के कद्दूकस करके रखे हैं भटूरे में भरने के लिए, मसाला है ना। इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी हरी मिर्च, आपने टेस्ट के हिसाब से मसाला डालिए। थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें पिसी हुई अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, भुना जीरा पिसा हुआ, जरा सी लाल मिर्च और इतना सा थोड़ा सा पिस हरा धनिया कतरा हुआ, ठीक है। और इसमें डालूंगी मैं बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि देखिए छोलों में भी नमक है। ये हो गया आलू का मसाला। इसको मैं अच्छे से मलकर मैश करके तैयार कर लूंगी। चम्मच से पूरा मसाला मैं तैयार, ठीक है। और तेल का हाथ लगा के छोटी छोटी सी लोइयां इसकी हम बना के रख लेंगे। जितना हमारी मैदे की इसकी लोई होगी भटूरे की, भटूरा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा जब आप भटूरा बनाते हैं तो आप साइज कढ़ाई के हिसाब से रखिए। कभी कभी क्या होता है कढ़ाई का साइज छोटा है और भटूरा हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो भटूरे को जगह फैलने के लिए फूलने के लिए नहीं मिलेगी। तो आपकी कढ़ाई का जो साइज है उस हिसाब से आप भटूरा बनाइए, उतना बड़ा। बहुत बड़े भटूरे बनाने हैं तो आप वो हलवाई वाली कढ़ाई चढ़ाइए भारी बड़ी, ये आप देख लीजिए आपको किस साइज का भटूरा बनाना है। मैं बहुत बड़े भटूरे नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज के छोटे ही एक तरीके से बनाती हूँ भटूरे, क्योंकि बड़ा भटूरा कोई एक ही खाएगा तो फिर वो अपन को यह है कि किसी को अच्छा लग रहा है, तो सही साइज बनाते हैं। ये हमारा आलू देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया, बढ़िया। अब ये मैं है प्याज, ये प्याज में हम मसाला डालेंगे, प्याज के वो बनाएंगे भटूरे। पिसी अदरक, जरा सी लाल मिर्च, धनिया पत्ती, थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा और ये जरा सा गरम मसाला है ना। ये हमारा प्याज का मसाला तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ये प्याज का बनाएंगे। अब हम ये बनाएंगे पनीर का, ऐसे ही हम पनीर में थोड़ा मसाला डालेंगे है ना, थोड़ी सी धनिया पत्ती, पिसी हुई अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला और ये भुना हुआ जीरा। प्याज में नमक मैंने अभी नहीं डाला, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने नमक नहीं डाला, मैंने नहीं डाला प्याज, नमक पानी बहुत जल्दी छोड़ती है नमक पड़ते ही है ना, इसलिए हमने प्याज में नमक नहीं डाला, ये मैंने पनीर में थोड़ा। अब ये मैं अपना ये पनीर तैयार कर, ये मैंने पनीर निकाल के आपको दिखाया था, पनीर के पानी से मैंने थोड़ा सा मैदे में डाला और मैं अब छोले में, अगर मेरे को जरूरत लगी छोले में मसाले में पानी डालने की, तो मैं वही पनीर निकला हुआ अपना दूध में से पानी जो है बचा है पनीर का वो मैं डालूंगी है ना। ये हमने पनीर तैयार कर लिया। इस तरह से हम ये 3 तरह के भर करके भटूरे बनाएंगे और एक प्लेन बनाएंगे है ना, तो मैं आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं टमाटर ऐसे भून लेती हूँ, ना हम प्याज डाल रहे हैं ना लहसुन डाल रहे हैं। इसमें एक मेरा ट्विस्ट है वो भी बताऊंगी, ये ऐसे मैं टमाटर भून लेती हूँ। आप गैस तंदूर में भी भून सकते हैं टमाटर। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर हो गया, इसी तरह मैं 3 टमाटर भून लूंगी और इनका छिलका उतार के फिर इनका मसाला बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे टमाटर, बिल्कुल भुन गए बढ़िया।
अब मैं इनके छिलके और भून के उतार लिया है मैंने, ये निकाल दिए मैंने छिलके, ये वाला गरम है थोड़ा, पूरा इनका छिलका उतर जाएगा। इस भुने हुए टमाटर का टेस्ट ही अलग आता है। देखिए पिंडी छोले जो बनते हैं वो भी बिना प्याज लहसुन के बनते हैं, पिंडी छोलों में प्याज लहसुन नहीं पड़ती और मसाला भरपूर पड़ता है, उसमें पड़ता है अनारदाना। और मैं अपने छोलों में डालती हूँ अनार के दाने, ताजा अनार आ रहा है मौसम में, अगर ताजा अनार नहीं आ रहा है तब तो मैं अनारदाना डालती हूँ, नहीं तो मैं अनार फ्रूट लेकर के उसके लाल अनार, खंदारी अनार जो आता है, उसके अनार के दाने लेकर के, देखिए मैंने ये कर लिया है ना, ये मैंने निकाल लिया टमाटर को। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। वैसे इसको अगर हम पत्थर पे कुचले, जो पथरोटा होता है उसमें कुचले, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसके साथ हम ये अनार के दाने, एक खंदारी अनार मैंने छील लिया है, ये उसके दाने हैं, ये टमाटर के साथ मैं पीसूंगी और फिर मसाला बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, ये मिक्सी में मैंने अनार दाना डाला है, अपना फ्रेश अनार का, ताजा खंदारी अनार लेकर वो डाला है, भुने हुए टमाटर डाले हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बहुत थोड़ी, ज्यादा नहीं, आप अपने टेस्ट से ज्यादा भी डाल सकते हैं, पिसी अदरक डाली है करीब मैंने आधा चम्मच डाली, आप अपने टेस्ट से मसाला डालिए। और ये भुना जीरा डाला है, ज्यादा सा गरम मसाला डाला है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ, हो गया मसाला। अभी इसमें मैंने धनिया नहीं डाला है और सौंफ नहीं डाली है, इसमें मैं पिसा धनिया और सौंफ डालूंगी, ये मैंने सौंफ डाली है एक चम्मच, है ना, और ये धनिया डाला है मैंने एक दो तीन और ये चार टीस्पून, है ना। अब इसको हमने इसमें मिला दिया है और इसको हम एक बार चला लेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मसाला तैयार है हमारा, कोई ऑयल घी तेल चिकनाई हमने कुछ नहीं डाला। जब ये बिल्कुल हम इसमें डालकर, हमारे छोलों का जैसे ही प्रेशर कुकर का प्रेशर खत्म होता है, ये मसाला हम उसमें डाल देंगे गरम गरम छोलों में, और उसको हम थोड़ा सा उबाल देंगे। जब वो उबल जाएगा बस तैयार है हमारे छोले खाने के लिए। इसमें मैं और कोई खटाई कुछ नहीं डालती हूँ, और बस फिर हरा धनिया हरी मिर्च ऊपर से डाल देंगे। आपको प्याज कतरा हुआ डालना है आप डालिए, आपकी मर्जी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे छोले तैयार हैं, बिल्कुल कितने अच्छे गल गए हैं, एकदम बहुत बढ़िया गल गए, है ना। बस ये गल गए हैं, अब इसमें हम ये वाला मसाला डालेंगे और इसको औटाएंगे, या हम इसमें और सीटी प्रेशर लगा देंगे। अभी इसमें हम फटे दूध का पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी अभी काफी है, और हम इसी के पानी से सारा मिक्सी का मसाला भी निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू की गोल गोल बॉल्स बना के रख ली हैं, और ये मैंने मैदे का बॉल लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा बहुत लचीला है मैदा ऑलरेडी, में किसी चीज की जरूरत है नहीं। इसमें हम ये एक बॉल रख लेंगे और इसको हम ऐसे चुन्नट बनाते हुए इसको हम बंद कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, और ये बंद हो गया। इसको हम बहुत हल्के हाथ से मलेंगे, बेलेंगे, जिससे थोड़ा सा हम इसमें ऑयल का लगा लेंगे, बिल्कुल स्टिक नहीं होगा ये, क्योंकि इतना लचीला हो गया है ये मैदा। और ये देखिए, इसको हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे, और हम इसको थाली में रख लेंगे। का भटूरा आलू का आपको दिखाया मैंने, अब ये मैं पनीर का बना रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बेल लिया, इसमें मैं ये पनीर का मसाला भरूंगी, ये भरा मैंने, अब इसको मैं चुन्नट बनाते हुए खींचते हुए
एक उंगली अंगूठे से पनीर को अंदर दबा दूंगी, है ना, ये ऐसे ही गोल बना लिया, ऐसे दबा लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऑयल, बहुत जरा, ये फटेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। ये इतना अच्छा पनीर, ये मैदा हमने लोच वाला कर लिया है कि ये अपने आप ही बनता जाएगा, लेकिन हम इसको बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे ऐसे। बस देखिए तैयार है, बस ये तैयार है। अब हम अपने भटूरे, अभी हम इसके बाद पहले हम आलू और पनीर का तल लेते हैं, फिर हम प्याज का भटूरा बताते हैं। हाफ है, देखिए ये मैंने डाला है भटूरा, इधर हमारे ये छोले हो रहे हैं, है ना। और तेल आपको तेज रखना है, धीमा नहीं रखना है, और बहुत हल्के हाथ से आपको ये भटूरे तलने हैं। धीरे धीरे अपने आप ही फूल जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। आंच आपको तेज रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पनीर का भटूरा है मैंने डाला है, और ये आपका ऐसे ही फूला रहेगा, ऐसे ही फूला रहेगा, और हम इसको देखिए, ये देखिए लाल लाल हो गया, इतना अच्छा भटूरा एकदम फूला है, गुदगुदा भटूरा है, एकदम स्पंजी स्पंजी जैसा। अब ये तेज आंच है, इस पर हम इसको लाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम भटूरा कढ़ाई में डालते हैं तब हम इसको आंच को धीमी कर लेते हैं, और इसको लाल करिए भटूरे को, करारा करिए। अब मैं आंच धीमी कर दूंगी, और साइड में ऐसे छल्ली करके टेढ़ी करके इसको निकाल लें। अब मैं आपको एक ये आलू का भटूरा डाल के दिखा रही हूँ, धीमी आंच पे डालो, तेज कर। ये हो रहा है, देखिए तेज आंच पे है ये, अभी जैसे ही सिकने लगेगा ये ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा, सिकने लगेगा तो ये ऊपर आ जाएगा अपने आप, आपको ज्यादा कलछी इस पे चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम इसको पलट देंगे, ये देखिए कितना फूल, ये अपने आप फूल जाएगा, इसको टाइम दीजिए, अपने आप फूल जाएगा धीरे धीरे। और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं भटूरे, कुरकुरे कुरकुरे भी होते हैं ऊपर से, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ये देखिए फूल गए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अब बना रही हूँ प्याज का भटूरा। आपको पनीर और आलू के दो भटूरे दिखा दिए, दो आलू के दो पनीर के, है ना, वो मैंने बनाए हैं। अब ये मैं बना रही हूँ प्याज का। देखिए प्याज में नमक मैं ऐसे नहीं डालती हूँ, प्याज बहुत जल्दी पानी छोड़ती है नमक पड़ते ही, तो इसमें नमक हम ऊपर से डाल लेते हैं, है ना। ऐसे ये मैं बस ये ऐसे ऊपर से बुरा कर, ठीक है ना, ये ऐसे। अब हम इसको हाथ से दबाते जाएंगे और ऐसे चुन्नट करते जाएंगे, ये ऐसे। इसको भी हमें बहुत हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल वैसे बेलना है जैसे हम प्याज के पराठे बनाते हैं ना, हल्के हाथ से, फटे नहीं, ठीक है। जैसे हम नान बनाते हैं, ये देखिए बस ये हो गया तैयार भटूरा, है ना। अब हम इसको तलेंगे, धीमी आंच पे डाला है मैंने,
और ये हम अभी देखिए सिकते ही ऊपर आ जाएगा, ये देखिए फूल गया, ये फूल गया। अब हम इसको एक साइड से सिकने देंगे, जब वहां से लाल हो जाएगा नीचे से फिर हम इसको पलटेंगे, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे परतने की। बहुत पतला भटूरा बनाने की आप कोशिश मत करिएगा, बहुत पतला भटूरा तेल पी लेता है अंदर और वो ऊपर से क्रिस्प भी हो जाता है, लेकिन पतले भटूरे में आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए कितना फूला हुआ है, पड़ते ही फूल गया ये। तो ये देखिए प्याज का भटूरा बनाकर दिखाए। इस तरह से मैंने आपको तीन तरीके भटूरे दिखाए। प्लेन भटूरा, बिल्कुल प्लेन है ये, इसमें कुछ भी स्टफिंग नहीं। इसको मैंने बेल लिया है, अब मैं इसको आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है, आंच तेज कर दी है और ये भटूरा ऊपर आ गया। ये देखिए पड़ते ही फूल जाएगा वो, हम उसको एक तरफ से लाल होने देंगे फिर अब पलटेंगे। ये देखिए ये हमारा प्लेन भटूरा। थोड़ा और लाल करेंगे, लाल हुआ नहीं एक तरफ से। फ्रेंड्स देखिए ये हमारे तैयार हैं छोले भटूरे। ये छोले बहुत रसे के नहीं है लेकिन थोड़ा रसा मैं इसको रखती हूँ। और देखिए कितने अच्छे शक्ल, आप देखिए इसके बिल्कुल काले अपने आप हो गए हैं मसाले से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने इसको सर्व किया है, ना बहुत कम रसा है ना गाढ़े हैं। तो ऐसे छोले मैं बनाती हूँ, सीजन में आजकल अनार आ रहा है तो मैं फ्रेश अनार के ही छोले बनाती हूँ, कंधारी अनार के, जो बहुत डार्क रेड कलर वाला अनार आता है उसके। और ये भटूरे हैं देखिए, ये सादा भटूरा है, आपको मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अंदर से, ये है प्याज का, ये देखिए, और ये है हमारा पनीर का, ये है आलू का, ये आलू का है, दिखाऊं आपको, ये देखिए इसमें मसाला पूरा अंदर मसाला लेयर्स में चिपक जाता है। तो ये है भटूरे और छोले आज की मेरी रेसिपी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। तो आप अब त्योहारों पर ये मेरी रेसिपी से छोले भटूरे बनाइए, खिलाइए और आनंद उठाइए। अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अनूठी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, फैमिलीज में सबको बताइए। और मेरा अनूठी फेसबुक और इंस्टा पे भी है और उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, तो आप विजिट करिए। अनूठी में गुफ्तगू में भी आजकल मैं महाभारत के अपने द्वारा लिखे हुए स्पीकिंग ट्री पर मेरा ब्लॉग है विचार मंथन छवि मेहरोत्रा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। और उसकी मैं अर्जुन और धर्म युद्ध के भाग शेयर कर रही हूँ, उसका भी आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।